तो आइए एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बारी बारी से एक एक करके आपको थ्री न्यूज जो अभी लेटेस्ट है वह आपको दिखा रहे हैं जो कंपनियां मतलब आप कह सकते हैं एम्प्लाई के साथ चीटिंग कर रही है धोखाधड़ी कर रही है देखिए आफ्टर नॉट ऑन बोर्डिंग टेक फर्म्स रिवोकिंग जॉब ऑफर्स 30 सितंबर का यह न्यूज है कुछ लेट से हम अभी अपडेट कर रहे हैं इसके लिए सॉरी लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम आपको बता रहे हैं देखिए देखिए यहां पर कह रहा है क्या वाइल विप्रो सेड इट विल ऑनर ऑफर्स मेड टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा डिड नॉट रिस्पोंड टू क्वेरीज कोई भी रिस्पॉन्ड इंफोसिस और टेक महिंद्रा की तरफ से नहीं लिए जा रहे हैं जबकि विप्रो जो इम्प्लाई को मेल कर रहा है उसमें कह रहा है कि जो डिजर्व कर रहे हैं उनको हम ऑफर लेटर दे रहे हैं और ज्वाइनिंग भी दे रहे हैं खैर देखिए यहाँ पर आ, आपको सीधा हम ले चलते हैं जो न्यूज है सेवरल कैंडिडेट्स हु हैड बिन ऑफर्ड जॉब्स बाई टॉप आई टी फर्म्स इन्फोसिस विप्रो एंड टिक महिंद्रा से द ऑफर लेटर हैव बीन रिवोक्ड आफ्टर द कंपनीज डिलेइंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर मंथ्स इलेवन मंथ्स ट्वेल्व मंथ्स का अभी पेंडिंग है और ख़ासकर विप्रो का और सिक्स मंथ से ऊपर हो गया इन्फोसिस का टेक महिंद्रा का भी उसी प्रकार का है सो दे हैव बीन गिवेन नो क्लैरिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन एज विल क्लेम स्टूडेंट्स कोई भी रिजेक्शन का वो सही रूप से आपको वो क्लेरिफिकेशन uh, नहीं दे रहे हैं हालांकि जिन स्टूडेंट का क्लेम था वो स्टूडेंट अब भारत सरकार के पास भी गए हैं अपनी डिमांड को लेकर के देखिए पवित्र एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम भोपाल रिसीव्ड ए रिजेक्शन मेल फ्रॉम इन्फोसिस ऑन सितंबर 28 एट सिक्स मंथस आफ्टर रिसीविंग द ऑफर राइट इट हैज बीन आइडेंटिफाइड दैट यू आर नॉट मीटिंग आवर एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब देखिए आपको हम बता दें यहाँ पर कि अभी जो हम यूट्यूब पर अपडेट करते हैं अपलोड करते हैं कुछ वीडियो को तो हमारे पास भी लगभग ऐसे सात आठ फोन कॉल आए हैं जिसमें जो स्टूडेंट हैं उनका कहना है कि अभी सिक्स मंथ से ऊपर हो गया और हमारा सिक्सटी परसेंट होने के बाद भी वो रिजेक्ट कर दिया इसके वीडियो भी हम अपलोड किए हैं उस स्टूडेंट का उसकी प्राइवेसी को हमने लीक नहीं होने दिया लेकिन हमने वीडियो अपलोड किया था हेंस योर ऑफर स्टैंड नल एंड वाइट रीड द ई मेल सेंड टू हर ये एक स्टूडेंट है जिसको ऑफर नल और वाइट कर दिया गया बाय द इन्फोसिस और फिर से हम बता दें आपको हम इसी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे, दे देंगे जिस स्टूडेंट को ये आया है हालांकि हम फिर बता रहे हैं उनकी प्राइवेसी को हम बिल्कुल बरकरार रखे हैं प्राइवेसी कहीं से उनका भंग नहीं हुआ है राइट right. इस बात का ध्यान हम रखे हुए हैं और ऐसे सेवन टू एट स्टूडेंट्स हमारे पास जो फोन कॉल किए उनका भी है और कुछ स्क्रीन शॉट भेजा था वह भी हमारे पास है खैर हाव एवर पवित्रा सईज सी हैज फुलफिल्ड ऑल द मेन्सन क्राइटेरिया सिक्सटी परसेंट मार्क्स इन क्लासेस टेन ट्वेल्व एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स इनफैक्ट माई ग्रेड्स आर एब द रिक्वायर्ड परसेंटेज डिस्पाइट ऑल दिस आई रिसीव डे रिजेक्शन मेल सी से सिंपल है ऐसे ये पवित्रा का केवल केस नहीं है इन्होंने खुलकर कहा सामने आकर न्यूज चैनल से लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं सिमिलरली भावना ये कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम विजयनगर रिसीव्ड ए रिजेक्शन मेल फ्रॉम विप्रो फोर मंथ्स आफ्टर रिसीविंग ए जॉब ऑफर द मेल reviewed by business line says, we cannot uh, take your candidature forward as you have not been compliant to the approach assessment guidelines, right, so I have been rejected even after fulfilling all the great criteria and submitting all documents, the company has not given any clarification about the grounds of rejection series. अब देखिए ऐसे बहुत सारे केस आपको मिलेंगे अभी विवेक का है ये एंड ये टेक महिंद्रा का है थ्री मंथ्स अगो ही ऑल्सो गॉट रिजेक्शन मेल ऑन सेप्टेम्बर ट्वेंटी टू राइट और यहाँ पर सभी का वही ग्राउंड है कि आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं सो so ये बिल्कुल ग्राउंड uh, ही खराब गलत है खराब है कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स राइट अब देखिए हम फिर से बताए आपको कि यह अब गवर्नमेंट के पास भी गया हुआ मामला है अब देखिए दूसरा न्यूज है इसके कारण जो बन, बन रहा है अभी सो मेजोरिटी ऑफ आई टी प्रोफेशनल्स यहाँ यह दूसरा न्यूज आपको लेके हम चलते हैं मेजोरिटी ऑफ आई टी प्रोफेशनल्स विल नॉट कंसिडर रिटर्निंग टू सेक्टर इन फ्यूचर जो स्थितियाँ बन रही है अभी आई टी सेक्टर का जिसमें प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी जो अधिकांश संख्या है उसमें फिर से ये दोबारा फ्यूचर में लौटने की कोशिश नहीं करेंगे मतलब समझिए कि आप इतनी परेशानी हो गई उनको और काफ़ी एट्रिशन रेट भी बहुत हाई है राइट आप देखिए द सर्वे इंडिकेट्स दैट 57 परसेंट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स वुड नॉट कंसीडर रिटर्निंग टू द आईटी सर्विस सेक्टर इन द फ्यूचर ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है ये और ये ट्वेंटी नाइन सेप्टेम्बर टू रात के दस बज के उनचास मिनट पर ये न्यूज आया है आप देखिए 22 टू ,00 लाख टेकीज में रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स बाय 2025 थाउजेंड द रीजन जो अभी हम दो न्यूज आपको दिखाए एक तो जॉब ऑफर देने के बाद ज्वाइनिंग रिवोक करना बाय द कंपनी एंड सेकेंड आई प्रोफेशनल का यह कहना कि हम नहीं जाएंगे और तीसरा न्यूज है कि इस तरह की स्थिति जो बनी है उसमें 22 लाख जो कि एक हाई नंबर है और जो टिकीज हैं वो रिजाइन कर सकते हैं जॉब से 2025 में यह भी एज पर रिसर्च बाय टीम लीज डिजिटल टाइटल ब्रेन ड्रेन टॉकिंग द ग्रेट टैलेंट एक्सपोड्यूज इन आईटी सेक्टर द प्रोजेक्टेड वैकेंसी रेट फॉर द आईटी इंडस्ट्री इज टू जीरो टू टू इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट अब देखिए यह सेकेंड अक्टूबर का आज का ही न्यूज है अकॉर्डिंग टू एस सर्वे बाई टीम लिज डिजिटल ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू लैक टेक इज आर एक्सपेक्टेड टू लिव दियर पोजिशंस बाई टू जीरो टू फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तक यानी थ्री ईयर्स में ये सिचुएसन बनने वाला है जैसा कि ये सर्वे बता रहा है फिर भी हम बता रहे हैं इतना जल्दी नहीं है ये न्यूज तो जरूर है सर्वे एक लिया हुआ है लेकिन विशेषकर ये इंडिया के लिए पॉसिबल इतना फास्ट में नहीं हो सकता है फिर भी न्यूज है तो है इसको देखना पड़ेगा टॉ टैकलिंग द ग्रेट टैलेंट इक्स इन आई टी सेक्टर द प्रोजेक्टेड वैकेंसी रेट फॉर द आई टी इंडस्ट्री इन टू जीरो टू टू इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू परसेंट इट ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट इन एफ आई ट्वेंटी थ्री इन द कॉन्ट्रैक्ट इंप्लायमेंट बिजनेस वुड राइज टू बिटवीन फिफ्टी एंड फिफ्टी फाइव परसेंट फ्रॉम फोर्टी नाइन परसेंट इन एफ आई ट्वेंटी टू ये ट्वेंटी थ्री में 49% से भी बढ़कर 55% तक जा सकता है एटिशन रेट जो यहाँ पर लिख दिया गया है और सर्वे जो बता रहा है यहाँ पर देख लीजिए इट इज प्रोजेक्टेड दैट बाय 2025 जीरो टू फाइव देयर विल बी वन मिलियन एडिशनल टेक जॉब्स अवेलेबल एज ए रिजल्ट ऑफ द थ्री फोल्ड इंक्रीज़ इन डिमांड ऑफ टेक एक्सपर्टीज इन नॉन टेक इंडस्ट्रीज सुनील शेमा कोटिल सी ऑफ टीम लीज डिजिटल ये कह रहे हैं सी के द्वारा कि 2025 में एक आईटी सेक्टर में बूम वैकेंसी निकलेगा रिक्रूटमेंट होगा क्योंकि इतने लोग अगर छोड़कर जाएंगे तो आईटी सेक्टर को एम्प्लाई की ज़रूरत होगी अभी वो भले जॉब नहीं दे रहे हैं लेकिन उस समय उनको जॉब देना एक मजबूरी बन जाएगी सो so, ये रिवर्सल ट्रेंड है विच इंप्लाइज दैट कीपिंग ए बिजनेस क्रिटिकल टैलेंट हैज़ एक्सपीरियंस ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रीवियस टू ईयर्स राइट सो आप देखते रहिए कि आगे क्या होता है और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे ज़रूर कि अगर आप आई एस सी हैं यानी प्लस टू साइंस से हैं प्लस टू कॉमर्स से हैं देन आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी किस कोर्स को करने पर मिलेगा और घर बैठे आप अर्न कर सकते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं थोड़ा आपको कैपिटल लगाना होगा इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जल्दी ही थैंक यू आज के लिए